की सेकंड रेसिपी विटामिन भेल कैनेपी बनाने के लिए हम सबसे पहले पोहे का चूड़ा, उबले हुए आलू, बहुत ही इजी रेसिपी है और ऐसी चीजें जो घर में फ्रिज में रहती ही हैं, जिसे निकालकर बच्चे आसानी से बना सकते हैं। अनार के दाने, मूंगफली दाना, नारियल किस, बारीक कटा हुआ प्याज, स्प्राउट्स, बारीक कटा हुआ पनीर, इमली की चटनी, हरी चटनी, भोजवानी लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, सारी चीजों को मिक्स करेंगे। विटामिन भेल कैनेपी, इसे भी बच्चे आसानी से बना सकते हैं, जिसमें लिए हमने उबले हुए आलू, पनीर बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई प्याज, अनार के दाने, मूंगफली, नारियल किसा हुआ और इसमें डाले इमली की चटनी, हरी चटनी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिए। पोहे का चूड़ा भी लिए हमने इसमें। इस हेल्दी विटामिन भेल को हम बाजार में मिलने वाली तैयार कैनेपी के अंदर भर सकते हैं या मोनेको बिस्किट के ऊपर भी इसे लगा सकते हैं। तो किस तरह से हम इसे भरेंगे, लगाएंगे ये देखेंगे। अब इसे हम कैनेपी के अंदर डालेंगे, ऊपर से इसमें इमली की चटनी, हरी चटनी, बारीक सेव और चीज डालेंगे। पहले कैनेपी भर के रखते हैं एक साथ। हरी चटनी, इमली की चटनी, नारियल, मूंगफली, ये सब रेगुलर हमारे घर में रहता ही है, इसीलिए इसे बनाने में बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से इसे बना सकते हैं और यदि मम्मी घर में नहीं है तो भी बना के खा सकते हैं। कैनेपी यदि नहीं है तो मोनेको बिस्किट के ऊपर भी लगाकर इसे आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह से मोनेको बिस्किट के ऊपर हमने इसे लगाया। और इसके ऊपर चीज डालकर भी आप सर्व कर सकते हो। विटामिन भेल कैनेपी के ऊपर हम थोड़ा सा चीज डालेंगे जो बच्चों को बहुत पसंद है।
तो तैयार है विटामिन भेल कैनेपी, जिसे बच्चे आसानी से बना भी सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और आपको भी खिला सकते हैं।